हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सादा ब्लाउज बनाना बताएंगे जो बहुत ही आसान है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये अस्तर वाली ब्लाउज है। तो हमने ये अस्तर और फैब्रिक ले लिया है। तो हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों बताएंगे आपको। बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार देखें। तो फ्रेंड्स, हमने ये अस्तर ले लिया है। अब इसको हम देखिए अस्तर कितना है, तो ऐसे फिर डबल फोल्ड कर लेंगे हम। फिर उसके बाद से हम जितना हमारा चेस्ट रहेगा तो हम ब्लाउज़ के माप से माप के आपको बताते हैं। तो हमारा चेस्ट जितना रहेगा उतनी हम चौड़ाई लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 9 इंच। तो उसमें हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे डबल करके देख सकते हैं। तो हमारा हम 10 इंच या मतलब 11 इंच आप जितना चाहे मार्जिन रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि मार्जिन हमारे लिए ब्लाउज़ के लिए ज़रूरी होता है ताकि बाद में हम खोल सकें। अब लंबाई हम देख लेंगे। इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो 1/2 इंच हमारा अंदर जाएगा और 1/2 इंच ऊपर, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 10 इंच, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 5 इंच शोल्डर हो जाएगा और 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए मार्जिन हो जाएगा। तो हमारा आर्मोल है 6 इंच, तो हम 6.5 लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा दब जाएगा शोल्डर में। हमारा आगे का गला है, हम ऐसे गला भी देख सकते हैं। तो 5 इंच है, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसका 1/2 इंच होगा 2.5। ऐसे हम ब्लाउज से माप से बना सकते हैं। तो 5.5 इंच का गला है हमारा आगे का, तो 5.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/2 इंच की गुलाई देंगे। हाफ इंच और 1 इंच आप जैसा गुलाई देना चाहें दे सकते हैं। अब इधर से हम सीधा लाइन खींच लेंगे और हम 1 इंच की गुलाई आगे के पार्ट में देंगे और बैक साइड का पार्ट में हम 1.5 इंच देंगे क्योंकि हम दोनों पार्ट एक ही साथ कटिंग कर रहे हैं। तो हम दोनों निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो हमारा जितना चेस्ट है, अब हम चेस्ट पे निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारा 9 इंच है, तो हमने उतना मार्जिन रखा है। और कमर है हमारा 8 इंच, तो हमें ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इतना हमारा है मार्जिन। तो हम टक्स का निशान लगा लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ब्लाउज़ लेके उसमें देख सकते हैं। तो इसमें 4 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे और 3 इंच पे हम आगे का टक्स लगाएंगे और ये हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो ये हम कोने से 1/2 इंच हमारा ऊपर दब जाएगा, तो हम 3 इंच इसका लेंगे। 3 इंच का ये भी रहेगा और नीचे का हमारा 4.5 रहेगा क्योंकि 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ से हम ऐसे ही लगा सकते हैं और बीच में ये हमारा 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच का गैप होना चाहिए। तो आप नाप के देख सकते हैं, 1.5-1.5 इंच का हमने गैप रखा है। 1.5 इंच 2 इंच ऑप्शनल है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप।
फिर हम ऐसे गोल बनाकर देख लेंगे कि हमारा सही लगा है कि नहीं निशान। तो देखिए हमारा निशान एकदम सही लगा है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। हमने इतना कपड़ा मार्जिन के लिए रखा है। तो अभी हम अस्तर पे कटिंग कर रहे हैं। अस्तर कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े पे रख के कटिंग कर लेते हैं। तो फिर हम ऐसे इस साइड करके हम उस पर जो निशान लगाया है उसको ऐसे दबा देंगे तो इस साइड भी हमारा निशान लग जाएगा हल्का। तो फिर उसको हम डार्क कर लेंगे। तो हमने आगे का पार्ट निकाल लिया है और बैक साइड का पार्ट अलग कर लिया है। तो ये जो हमारा अस्तर है तो हम इसी में से स्लीव निकाल लेंगे। तो हमारा स्लीव है 7 इंच का, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्लीव ही निकल जाएगा। हमें अलग से अस्तर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। हम आपको एकदम कपड़े बचत के हिसाब से हम सिलाई करना सिखाएंगे ताकि कम कपड़े में आप अच्छा सिलाई कर सकते हैं। तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारा स्लीव कितना है उसको देख लेंगे। तो 5 इंच का स्लीव है तो 2.5 इंच पे निशान लगा के ऐसे हम गुलाई में छेद दे देंगे। तो फ्रेंड्स हम ऐसे गुलाई दे के अब हम कटिंग कर लेंगे। हम इधर से भी इधर कटिंग कर लेंगे। तो हम आगे 1/2 इंच का जो गुलाई है वो अब हम अभी नहीं कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अस्तर की कटिंग कर ली है, अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने जैसे अस्तर की कटिंग की है अस्तर को कपड़े के ऊपर रख के सेम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब उसके ऊपर हम जो अस्तर की कटिंग की है ऐसे रख के फिर हम कटिंग कर लेंगे। इस साइड हमारा बंद साइड है, जिधर से कटिंग कर रहा है उधर हमारा खुली साइड है। तो हम कटिंग उधर ही से करना है। तो देखा फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट का निकल गया है। तो हम ऐसे ही निशान लगाए हैं। तो हम गले की कटिंग भी कर लेंगे ऐसे ही। तो हमने फ्रंट साइड का कटिंग कर लिया है, अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को बिछा लिया, फिर ऐसे ही बैक साइड का पार्ट रख के हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बंद साइड है और इस साइड हमारा खुला साइड है। 1/2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। तो वो हमारा आगे की पार्ट से थोड़ा बड़ा है तो हम उसको काट के निकाल लेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमने अस्तर को 1/2 इंच पीछे का कम फोल्ड करना है अगर 7 कटिंग करते हैं तो, नहीं तो हम अलग अलग कटिंग करते हैं तब भी हमें अस्तर वाली ब्लाउज़ के लिए 1 इंच या 1/2 इंच कमी रखना है बैक साइड का। तो हमने यह आस्तीन निकालनी है तो हमने कपड़े फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स हम इसलिए पतले कपड़े पे निकालते हैं ताकि हमारा सेफ कपड़ा भी बच जाए और कम से कम कपड़े में हम ब्लाउज़ कट कर लें और ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। इसलिए हम अस्तर और कपड़े दोनों बचत के हिसाब से कटिंग करते हैं। आप भी ऐसे ही कटिंग करें, इससे आपके पास कपड़े भी बच जाएंगे, आप दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे से कपड़े के लिए हम पट्टी निकालेंगे। और फिर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है तो हम चांद और हाई और हुक के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली है तो हम ऐसे ही दोनों पार्ट को खोल लेंगे। फ्रंट साइड का है ये। अब हम ऐसे रख के अस्तर को और कपड़े को एक सिलाई लगा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स नीचे भी सिलाई लगा लेना है ऐसे ही। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको छोटा छोटा कट दे देंगे ताकि हमारा गले की गुलाई है अच्छे से परफेक्ट बैठ जाए। तो हमने कटिंग कर ली है इसकी। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे ही उल्टे तरफ से फिर पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम चारों तरफ इसको एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे अस्तर और कपड़े को।
ताकि सिलने में आसानी हो। तो हमने कपड़े को जॉइंट कर लिया है और ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा ली है और कमर पे भी लगा ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारा निशान है, इसको हम डार्क करके दोनों तरफ बना लेंगे। तो हमारा निशान दोनों तरफ हो गया। अब हम बीच से खोलेंगे नहीं, हम ऐसे पकड़ के हाफ हाफ इंच लगभग 1 इंच तक जितना निशान हम ऐसे पकड़ के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और हमारा जो सारे टक्स के निशान हैं हम वैसे ही पकड़ पकड़ के सारे टक्स के निशान पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमें जो आगे का टक्स है इसके लिए हम 1 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हम जो नीचे का टक्स है उसमें हम 1-1 इंच का सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया फ्रेंड्स। तो आप देखिए नीचे का हमने ज़्यादा फोल्ड करके सिलाई लगाया है। अब हम बैक साइड के गले की कटिंग कर लेंगे जो हमने पहले नहीं किया था। तो गले की लंबाई है हमारी 10 इंच की। ढाई इंच पे हम चौड़ाई लेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम डिजाइन नहीं डाल रहे हैं, बस ऐसे ही सिंपल गला बना रहे हैं। 4 इंच पे हम टक्स का निशान लगा लेंगे और हाफ हाफ इंच हम मार्जिन रखेंगे जो फिटिंग के लिए। अंदर हमारा कपड़ा वो दब जाएगा तो हम ऐसे ही इसे चौड़ा कर लेंगे, इतना हमें दबा के सिल लेना है। अब हम गुलाई का सेव देंगे गले में, हल्का गुलाई देंगे, ज़्यादा नहीं, आप अपने अनुसार गला बना सकते हैं। तो हम ऐसे ही गले में गुलाई में शेप दे देंगे। अब ऐसे ही गले की कटिंग कर लेना है हमें। तो हम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कटिंग कर लिया है, अब इसको भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा लिया है दोनों तरफ। अब ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। उसके बाद हम इसको पलट के इसके ऊपर से भी बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर से लेस लगाएंगे तो हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। अब हम आगे का पार्ट लेंगे, इसमें आगे की कटिंग करके और हुक और हाई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हमें बीच से ऐसे फोल्ड करके अच्छे से इसकी कटिंग कर लेना है। फिर हमने जो पट्टियाँ कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख के सिलना है। तो ये हमारा इस साइड हमारा हुक के लिए पट्टी रहेगा, क्योंकि तो हम इसको ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगा के ऐसे पलट के बैठने वाली सिलाई लगाएंगे, फिर ऐसे मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ हमारा हाई रहेगा तो हम नीचे से कपड़ा ऐसे रख के उसके बाद हम ऐसे ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो हमें ऐसे डबल सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा लिया है, तो हमने पूरा अच्छे से बनाया नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो हम इसलिए अब इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे मोड़ के और इसको अंदर की तरफ मोड़ के हम ऊपर हमने बैठने वाली सिलाई लगाई है। तो इसको मोड़ के इसके ऊपर आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलाई लगा सकते हैं। ये हमने बैक साइड का भी पार्ट खोल लेना है। तो इसके ऊपर भी ऐसे चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट साइड का लगाया है। और ये हमने टक्स का जो निशान लगाया है ये दोनों तरफ हम सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने पूरे आगे और पीछे का दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है अच्छे से। हाई और हुक के लिए भी दोनों हमारा तैयार हो गया है। अब हम स्लीव की जॉइंट करेंगे। तो स्लीव की हमने दोनों कपड़े खोल लेना है। अब ऐसे हमें ऊपर सिलाई लगा के ऐसे पलट के फिर हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद हम लेस लगाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं, दोनों स्लीव को ऐसे ही सिल लेना है। और ये जो हमारा लेस है इसके ऊपर हम ऐसे ही लेस को लगा लेना है। और उसके बाद हम ये जो हाफ इंच हमें कटिंग करनी है वो कटिंग नहीं किया था अंदर की तरफ, क्योंकि सिलने के बाद फ्रेंड्स समझ आता है पहले हम अच्छे से बना नहीं पाते, तो हमने सिल लिया इसको। अब ऐसे दोनों पार्ट को हम सीधे साइड ऐसे रख के बीच में कट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच की गहराई में निशान लगाएंगे। आप चाहे तो इस साइड लगा सकते हैं, चाहे तो इस साइड लगा सकते हैं, किसी भी साइड आप कटिंग कर सकते हैं। दोनों पार्ट को सीधा ही रखना है, तो हमने ऐसे निशान लगा लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं तो पहले अस्तर की कटिंग करते हैं और फिर उसके बाद में जॉइंट करने पे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए स्लीव के उसके बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम बैक पार्ट को ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को, तो हमें ऐसे ही दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है, हाफ हाफ इंच तक ज्वाइंट कर लेंगे हम दोनों तरफ। हम ऐसे निशान लगा लेना है, इतना इतना हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है, अब इसमें हम स्लीव लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा आगे की तरफ है और बैक साइड हमारा पीछे की तरफ है। तो फ्रेंड्स हमने जो ये हाफ इंच की गुलाई दी है तो ये हमारा फ्रंट साइड की तरफ रहेगा और बैक साइड की तरफ हमारा बिना गहराई वाला रहेगा। तो हमें ऐसे ही उल्टा रखना है, उसके बाद हमें ऐसे ही पलट लेना है। इस साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है, ये हमारा बैक साइड का है और फ्रंट साइड दोनों का ज्वाइंट कर लिया हमने। तो हमें ये हमारा हाफ साइड की जो गुलाई दी थी वो है, तो ये हमारा दोनों आर्मोल जितना बन गया है। तो ये हमने लेस लिया है, लेस को हम ऐसे ही गले पे अटैच कर लेंगे क्योंकि हमने पाइपिंग नहीं लगाया है, पलट के बनाया था। अब कमर की पट्टी को हम ऐसे पहले सीधा रख के उसके बाद हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखे ना, अंदर की तरफ रहे। हमने ऐसे ही करके फिटिंग का निशान लगा लेना है लेस ज्वाइंट करने के बाद। तो हमने निशान लगाया है, अब बताते हैं आपको कैसे निशान लगाना है ताकि आपकी ब्लाउज परफेक्ट हो। तो ये हमारी 9 इंच की है, फिर नीचे 9 इंच, ऐसे 3-4 बार आपको स्टेप बाय स्टेप माप लेना है ताकि एक पॉइंट भी आपका गड़बड़ ना हो। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है, फिर हम ऐसे निशान देख लेना है, फिर 9 इंच है, फिर थोड़ा कमर के ऊपर, तो हाँ 8.5 इंच हुआ और कमर हमारा 8 इंच का। ऐसे ही 4-5 बार आप एक साइड का माप लेंगे, फिर दूसरे साइड का भी वैसे ही माप लेंगे, तो आपकी फ़िटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने ब्लाउज़ को फिटिंग बना लिया है और आप देख सकते हैं ये जो हमारी अंदर की सिलाई है वो हमने अंदर की तरफ जैसे फोल्ड करके सिला था, तो वो कितनी प्यारी एकदम अच्छे से बन गई है और ऊपर कपड़ा भी नहीं दिख रहा है और उतना हमारा मार्जिन अंदर दबा है और लेस भी हमने लगा लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ब्लाउज़ एकदम बन के कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो आप एक बार ज़रूर ऐसे बनाएं और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू। और हमने एकदम सरल तरीके से आपको बनाना सिखाया है फ्रेंड्स, जो बहुत आसान है। तो एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा।